स्टूडेंट, मैं शशिकांत गुरुवेसर छत्रपति शिवाजी आईटीआई से आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम आज देखने वाले हैं कि ट्यूबलाइट में उपयोग होने वाले उपकरण में फाल्ट कैसे देखा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास दो स्टार्टर और दो चोक है, ठीक है। आज हम इसमें देखने वाले हैं कि इसको यूज करने के पहले कैसे टेस्ट किया जाता है और टेस्ट करने के बाद कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले हम इसको चेक करने के लिए टू पिन टॉप लेंगे और उसको सीधा सीरीज में लगाएंगे। सीरीज में लगाने के बाद इन दोनों वायर को आपस में टच करेंगे और देखेंगे इसका उजाला और ये सही है या नहीं, ठीक है। और इसको आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम चोक को टेस्ट करेंगे, स्टार्टर को चेक करेंगे और ये आप देख रहे हैं ये टोटली बंद है, ये चालू है, ठीक है। और देखो ये बीप कर रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। और ये कंटिन्यू अगर चालू रहता है उसका मतलब वो खराब है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये चालू नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, ये खराब है या ब्रेक है, बंद है, ठीक है। इसका मतलब ये अपने काम में नहीं आ सकती हो, ये जो स्टार्टर ये चालू है, ठीक है। उसके बाद हम चोक को देखेंगे। अब चोक में भी दो पॉइंट है, इसके अंदर के पॉइंट को हम सीरीज की वायर से टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम टेस्ट करने वाले हैं, देखिए अब इसका उजाला तेज जर रहा है और इसका उजाला कम जर रहा है। और इसका ये कारण है कि इसमें एक कॉइल होती है जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिस कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसी कारण थोड़ा धीमा जलता है, ठीक है। अब हम दूसरी चोक देखेंगे। अब इस चोक को हम चेक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये जल नहीं रही है, इसका मतलब ये ब्रेक है, अंदर से खराब है। इसकी भी दो पॉइंट है जिसको हमने चेक किया, जिसमें चेक करने के बाद पता चला कि ये लाइट नहीं जल रही, इसका मतलब क्या है, ये ब्रेक है, ठीक है। चालू वाली आपने देखा ही चालू है, इसके दोनों पॉइंट को यहां से टच करेंगे और उसका देखिए आप लैम्प थोड़ा धीमा जल रहा है, इसका मतलब ये चालू है और इसमें जो कॉइल होती है उसका थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, जिस कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब देख रहे हैं कि आप हमने एक स्टार्टर भी चेक कर लिया है और एक चोक भी चेक कर लिया है। इसके बाद देखेंगे हम कि ये ट्यूबलाइट रॉड उसको चेक करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं इसके दोनों, इसके एक तरफ दो पॉइंट और दूसरी तरफ दो पॉइंट होते हैं। इसको हम टेस्ट करेंगे, देखिए आप लैम्प फुल जर रहा है, इसका मतलब ये जो साइड है यहां से यहां तक ये चालू है, ठीक है। और ये टोटल फुल जर रहा है, ठीक है। अब इसका हम दूसरा साइड लेंगे, इसको हम टेस्ट करेंगे, फिर से टेस्ट कर रहे हैं और ये भी पूरी तरह जर रहा है, इसका मतलब ये जो साइड है ये भी क्लियर है। इसी प्रकार ये जो रॉड है ये चालू है। इसके बाद आप दूसरी रॉड चेक कर रहे हैं, इसके एक साइड को चेक करेंगे, देख रहे हैं आप कि ये फुल वोल्टेज में जल रहा है, इसका उजाला और इसका उजाला सेम है। इस अवस्था में जो ये साइड है ये क्लियर है। आप दूसरे साइड के टर्मिनलों को चेक करेंगे, हम इसको हम चेक कर रहे हैं, ये भी जल रहा है और फुल जल रहा है, इसका मतलब ये भी ठीक है। अगर ये जलता नहीं उसका ये मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये ब्रेक है या फिर खराब है। हमने आज देखा है कि चोक, स्टार्टर और ट्यूबलाइट रॉड, इसके कनेक्शन को चेक किया हमने, इसके टर्मिनल को चेक किया और किस तरह से ये मतलब उजाला और रोशनी देता है, उस अवस्था में ये चालू है या बंद है ये हमने देखा है, ठीक है। थैंक यू।